एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशंस हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें आपके स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो स्टैटिक जीके के मोस्ट 20 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और ये चेक करिएगा कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा है, उत्तर गुप्त युग या गुप्त काल में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो था आपका नालंदा। ओके, राइट ऑप्शन नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री में उपाधियां दी गई हैं तो वो कौन सी हैं, तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है वो ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को दी गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवनिक से मानते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सक हैं उन्हें भगवनिक के नाम से माना जाता है, तो उनका नाम क्या है, शुश्रुत, चैवन, धन्वंतरी, चरक। तो उनका नाम है धन्वंतरी। और याद रखिएगा ये जो चरक हैं इन्होंने चरक संहिता लिखी है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है चरक संहिता, ठीक है। और उसके बाद है कि शुश्रुत जो है ये शल्य चिकित्सक के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने ही सर्जरी की शुरुआत की थी। तो ये जो शुश्रुत हैं शल्य चिकित्सक हैं। ओके, तो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक जो हैं ये धन्वंतरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। बाण भट्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वो कादम्बरी है, ठीक है। कादम्बरी जो है ये बाण भट्ट की लिखी गई है, ठीक है, जिसमें चंद्रापिंड की कहानी आती है। तो जो बाण भट्ट हैं ये किसके दरबारी कवि थे, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो ये जो तो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन जो है एक विशाल अपने दान के लिए जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, मतलब वो धर्म प्रधान था। पहले ही बताया कि जैसे मेला लगता था कुंभ का और अन्य धार्मिक आयोजन था, तो वो अपनी धार्मिक सभाएं जो थी वो कहाँ करता था, मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्ति में। तो प्रयाग में, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। याद रखिएगा प्रयागराज जो है ये नया नाम है इलाहाबाद का, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन भी यहाँ देख लीजिएगा कि इलाहाबाद का जो प्राचीन नाम था वो भी प्रयाग था, और जो बदल कर नाम इलाहाबाद को बदल कर किया गया है वो भी प्रयागराज है। अगर कभी पूछ भी ले कि ना कि इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो इलाहाबाद का प्राचीन नाम भी प्रयाग ही था, प्रयागराज था, और बदल कर इलाहाबाद को जो नाम किया गया है वो भी प्रयागराज ही है। इलाहाबाद जो है ये अकबर ने किया था, अकबर ने इसका नाम बदल कर अपना जो उसका धर्म था दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही जो था इसी को इसने लगा कर इलाहाबाद कर दिया था इसका नाम, प्रयागराज बदल कर इलाहाबाद कर दिया था, ठीक है। तो सबको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसका आंसर जो है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो प्रयाग में करता था। तो इलाहाबाद का प्राचीन नाम भी प्रयागराज है, और इलाहाबाद के बाद परिवर्तित होकर वो भी प्रयागराज है। इलाहाबाद जो है ये अकबर ने शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो राइट ऑप्शन है बैरोमीटर, ठीक है। वायुमंडलीय दाब नापने का जो यंत्र है वो है बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 अमीबा में कुल कितने शैल होते हैं, ठीक है, या कोशिका होती हैं, सेल्स पाई जाती हैं कोशिका। आप जानते हैं कि मल्टी सेलुलर और यूनी सेलुलर होते हैं,
तो जो अमीबा है ये एक कोशीय प्राणी है या यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका है एक, ठीक है। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब एक कोशीय प्राणी है। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर एट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना, 1963, 1964, 1965, 1966। राइट ऑप्शन है 1963, ओके, ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वैसे ये क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन पूछने का इसको कारण है कि जब हम पहले पढ़ते थे तो हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह थे, पढ़ाया भी जाता है कि 9 ग्रह थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है इसका कारण है हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, ठीक है। एक ग्रह जो है वो गायब हो गया है खगोलीय घटना के कारण, तो हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। जैसे इसी तरह राज्य पूछे जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाते हैं कितने हैं अब, तो पहले 29+7 थे, ठीक है, लेकिन अब जो है वो 28+8 हो गए हैं। तो याद रखिएगा राज्य जो है ये 28+8 हैं, आपको अपने आप ही याद रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए हैं और राज्य जो हैं वो 28 हैं। इसी तरह सौर परिवार के ग्रह जो है वो भी 8 हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपने आंसर ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, ठीक है। तो बरौनी, रायपुर, कानपुर, हैदराबाद। तो बरौनी जो है ये तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तेल रिफाइंड के लिए जो आपका स्थान जाना जाता है वो है बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 11, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत में, वैसे तो भारत देश है धर्म का, लेकिन मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के, मतलब सबसे ज़्यादा किस राज्य में मंदिर हैं, पूछने का तात्पर्य है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। तो मंदिरों की पुण्य भूमि जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा मंदिर जो है वो है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। आपको ये पढ़ना पता भी होगा कि ये जो थी पहली मुस्लिम शासिका भी थी, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि पहली मुस्लिम शासिका और अंतिम भी थी, पहली भी थी और साथ में अंतिम भी थी, इनके बाद कोई मुस्लिम जो थी वो शासिका नहीं बनी, ठीक है। तो रजिया सुल्तान जो हैं एक किसकी पुत्री थी, ठीक है। तो ये शम्स उद दिन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद तुगलक। तो राइट ऑप्शन है ए, ये जो थी शम्स उद दिन इल्तुतमिश की जो पुत्री थी, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और याद रखिएगा इल्तुतमिश का पूरा नाम जो है वो शम्स उद दिन शम्सुद्दीन इल्तुतमिश है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम। तो राइट ऑप्शन है टाइटेनियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा, आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत जो है वो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गान को गाने में समय जो है वो 52 सेकंड का लगता है, ओके। याद रखिएगा बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछ लिया जाता है तो अच्छे अच्छों को नहीं पता होता है। तो राष्ट्रीय गान गाने का समय जो है वो 52 सेकंड है, ठीक है, और राष्ट्रीय गीत का जो है वो 1:08 है, ओके। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जहाँ से बिलोंग करते थे उसी देश का राष्ट्रीय गान इन्होंने लिखा है, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, ठीक है। द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है, द मॉर्निंग सॉन्ग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं जे जे थॉमसन, डार्विन, जे जे थॉमस, कलाम आज़ाद। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं वो जे जे
थॉमसन है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ठीक है, तो इसका सिंपल याद रखिएगा, ईट पर नाची, ओके, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है, थॉमसन, पी से प्रोटॉन और आर से रदरफोर्ड, ओके, एन से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक, ओके। तो याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे जे थॉमसन ने की, ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की। सिंपल ट्रिक थी, ईंट पर नाची, ठीक है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, ठीक है, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन और सी से चैडविक। ये थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। रेफ्रिजरेटर में जो प्रयुक्त की जाने गैस है वो फ्रियोन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो जो रेफ्रिजरेटर में प्रयोग की जाती है गैस वो है फ्रियोन, ओके, फ्रियोन है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आ जाए तो फंस भी जाता है इंसान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, ओके, ज़्यादातर नियुक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति करता है। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो मुख्य और भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होता है, मतलब सर्वोच्च नागरिक जो भारत का होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है, ओके। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जो है वो रामनाथ कोविंद हैं, माननीय रामनाथ कोविंद हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री जो है ये नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, घूमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि स्टैटिक्स जीके है तो नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। तो घूमरा, घूमर कहते नहीं है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद आ जाएगा कि घूमर जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है। एक तो गरबा होता है, गा से गरबा, गा से गुजरात, ठीक है। तो घूमरा नृत्य जो है ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो घूमरा जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है। धर्म चार हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो वे सबसे अधिक जनसंख्या किस धर्म की है, तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो ईसाई धर्म की है, ठीक है। विश्व में सबसे ज़्यादा धर्म के लोग जो हैं वो ईसाई या मिशनरीज हैं, ओके। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल त्यौहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़। तो आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितना स्कोर रहा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।